कार्यकर्ता, पर्यावरणीय कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक के एन गोविंदाचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। हम जब बात करते हैं पर्यावरण की, समाज की, तो बात आती है देश की भी। वर्तमान समय में देश के एटमॉस्फेयर को देख करके या देश की परिस्थितियों को देख करके क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, रिपोर्ट अब ये बता रही है चुनौती और समस्या दोनों के स्वरूप में कि 60 वर्षों में पिछले हमने 60 वर्षों में 50% बायोडाइवर्सिटी खो दिया है। और भारत की सबसे बड़ी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ये है कि 2% लैंड मास है और 16% बायोडाइवर्सिटी का स्वामी है भारत। इसलिए हम क्या खो रहे हैं इसका अनुमान अपने को नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो चुनौती है तो उस पर पार भी पाना होगा, किस तरह से? मैं मानता हूँ कि समाज और सरकार को मिलकर एक चार काम कर लें, 10 वर्ष के अंदर पूरा करने का वॉर फूटिंग पर काम करें। एक, हर ग्राम पंचायत में 4 कम से कम जलाशय नए बने, पूरे देश में 10 लाख नए जलाशय बने, पहली बात। दूसरा, वनाच्छादन 8% 15% से ऊपर उठे, डिक्लेयर्ड तो 24% है। हम तो घूम घूम कर देख रहे हैं, जंगल अंदर से साफ हुए हैं और किनारे किनारे खूब पेड़ हैं, बाहर से दिखता नहीं, अंदर जाने पर दिखाई पड़ता है जो जंगलों की दुर्दशा हो गई है। तो कम से कम इनफैक्ट 20% वनाच्छादन तो हो जाए। और तीसरा, लाभदायी गौ पालन के साथ साथ गौ की विशेषता है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी, इस बात को समझकर अंडरलाइन करते हुए गौ रक्षा, गौ पालन, गौ संवर्धन, गौ आधारित कृषि, तद आधारित उद्यम, तद आधारित ऊर्जा पर वॉर फूटिंग में काम करें। और जो अंग्रेज छोड़ कर गए थे एक आदमी पर एक मवेशी, आज 7 आदमी पर एक मवेशी की स्थिति है। इसको कुछ तो दुरुस्त कर लें, एक पर एक न पहुंचे तो भैया 2 आदमी पर एक गोवंश तक तो पहुंच जाए। इतना कर लें 10 वर्ष में तो देश दुनिया की जो पर्यावरणीय क्राइसिस होने वाली है 2030 के बाद स्थितियां इररिपेरेबल इररिवर्सिबल रह जाएंगी, लौटा नहीं जा सकते। तो भारत उसमें बहुत बड़े लंगर का आश्रय का काम करने की क्षमता रखता है। भाई तो आपने ये नजरिया बताया प्रकृति से जुड़ा हुआ, हम जब बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो ऐसी स्थिति में एक पार्टी जो हमेशा से लोकतंत्र की हिमायती रही, जिस पर हमेशा से ये लगा कि ये लोकतंत्र के लिए आवाज उठाती है, आज उसी पर ही लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। पता नहीं, ये तो वक्त वक्त की बात है। मैं ऐसा मानना चाहिए कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में ट्रेड डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। और संपूर्ण राजनीतिक दलों को इकट्ठा बैठकर इसके स्वरूप का विवेचन, आत्मनिरीक्षण और परिमार्जन करना होगा। ये आज के लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। इसके अनुसार और बातें बताई जा सकती हैं, कम से कम माहौल में तो ट्रस्ट का माहौल हो और उसमें थोड़ा मोड़ा माई वे और नो वे, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके पूर्व शर्त है सकारात्मक वार्ता के लिए। मतलब आप बीजेपी के थिंक टैंक भी रहे हैं, ऐसा आपने कई बार आपके वक्तव्यों में भी नजर आया है इस तरह का कि आप उनको नसीहतें देते आए हैं, लेकिन जहां पार्टी में कमल प्रधान हुआ करता था, आजकल प्रधान वहां पर प्रमुख बने हुए हैं, चेहरा बने हुए हैं। नहीं, वक्त की बात होती है, युग ऐसा है ना। इस युग में आप प्रारंभ से ही देखेंगे तो सोशलिज्म था, उसके बाद सेक्युलरिज्म ही बस वर्ड बन गया था, जो भी इश्यूज थे, उसके बाद हिंदुत्व आया है। उसी प्रकार लीडरशिप के क्रम में भी पहले आइडियोलॉजिकल और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, उसके बाद इमेज, उसके बाद वर्चुअल इमेज,
ये बनी है कि ये काल का है प्रकार, यही हमेशा के लिए नहीं रहेगा। किसी किसी व्यक्ति का स्ट्रांग पॉइंट विशेष होता है, तदनुसार भी बातें होती हैं। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़े देश का सवाल है। ऐसे देश के सवाल का हम जब निगोशिएट करेंगे तो लोकतंत्र के लिए विश्वास और संवाद पर जोर आएगा। जनता के साथ संवाद, जनता को समझना, उसके लिए हम कुछ सोच बैठे उससे काम नहीं चलेगा। जमीनी यथार्थ के लिए सभी दलों को चाहिए कि फीडबैक के लिए अपने चैनल्स की ठीक सफाई करें, जिससे उनको सही जानकारियां मिले। लेकिन राजनीतिक दलों में तो अभी वर्तमान में परिस्थितियां यही देखने को मिल रही हैं, जब हम भी फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आम जनता से बात करते हैं तो आज बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं होती, आज मोदी और राहुल गांधी की बात होती है, यानी कि चेहरा बेस। ये तो सुविधा है, बात करने की सुविधा के लिए भी ऐसा होता है, और एक तरह से ये वर्चुअल लीडरशिप का समय है, कालखंड आया है, उसमें ये दोनों पर्सनैलिटीज ऐसी दिखती होंगी। वो भी सब जगह कहाँ दिखाई पड़ते हैं, नरेंद्र जी तो सब जगह दिखाई पड़ते हैं, राहुल जी का ऐसा विशेष चमत्कार अभी कहीं दिखता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी चाहिए, और जमीन पर घूम रहे हैं तो अच्छा, लेकिन जमीन पर घूमने के बाद ग्रहण क्या कर रहे हैं जमीन से, महत्व तो इस बात का है। हम अपनी बात ला दें, अपनी जरूरत बताएं, ये नहीं, वहाँ की बातों को जानें, संकलन करें, डॉक्यूमेंट करें, और उस आधार पर इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें, उन इश्यूज़ पर कार्रवाइयाँ एक्शंस हों, खुद संवाद का भी और लोकतांत्रिक रीति से संघर्ष का भी, इसमें सभी बहुत कसर है। तो अभी उन्होंने जमीन पर तो खूब काम किया, लेकिन काम करते करते उन पर एक आरोप लगा, उसके बाद उनकी राजनीति पर असर पड़ा और उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या लगता है ये अभी जो हुआ राहुल गांधी वाला जो प्रकरण हुआ है, उसके बाद क्या राजनीतिक दलों में द्वंद बढ़ेगा? ये तो देखिए, राहुल जी की जो बात है उसके लिए तो वही जिम्मेदार है, वो गलतियां करेंगे इस प्रकार की तो उनके लिए ही ठीक नहीं रहेगा। देश इन सब बातों से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इन बातों की ओर बहुत गहराई से ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए मैं और कुछ कहने में लाचार असमर्थ हूँ। जैसे गोविंदाचार्य जी देश की परिस्थितियों पर, देश की प्रकृति, पर्यावरण और समाज से जुड़ी बातों के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक स्तर पर जो उनका मानना है उस पर भी अपने विचार रखे हैं। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाकर, ईटीवी भारत, जयपुर।